अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज नई सुबह की जानिब से अंडर खुद मुख्तार प्रोग्राम हम ये वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अगर हमें कंटेंट राइटिंग आती है तो हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी प्लेटफॉर्म से हम अर्निंग कर सकते हैं। तो आज इस वर्कशॉप में ट्रेनिंग देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमान खालिद, और ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से कंटेंट राइटिंग की जा सकती है। सलमान खालिद ने एमफिल किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, और ये एक कॉलेज में लेक्चरार हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ नई सुबह में भी आर्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग भी ये सिखा रहे होते हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में। तो अस्सलाम वालेकुम सलमान खालिद, ओवर टू यू। जी वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मिसर, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? यस ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी एंड आई वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ऑलराइट, एज यू ऑलरेडी नो एंड मिस अनम हैज इन्फॉर्म्ड कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंटेंट राइटिंग से मुतल्लिक है। सो हम मिलके एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एक्चुअली द कंटेंट राइटिंग इज, इन जनरल क्या है, इन डेप्थ क्या है, और स्पेसिफिक एंगल से कंटेंट राइटिंग का एक आजकल की डिजिटल मार्केट की दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड में, ग्लोबलाइजेशन में व्हाट रोल इट प्लेज एंड how we can be benefited and how we can be part of it. Miss Anam, iska koi ye jo participants frequently aa rahe hain inki is announcement ko main off kar sakta hu kis tarah? Chale, main apne nahi announce karta rahega वैसे। Okay, theek hai, okay, just give me 10 seconds. All right, हम इस वर्कशॉप को कंटेंट राइटिंग में वी हैव डिवाइडेड इट इनटू टू टाइम फ्रेम्स। एक तो आज हम कुछ टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे, 5 टॉपिक्स, एंड देन इसी की प्रोग्रेशन में, इसी की कंटिन्यूएशन में कमिंग सैटरडे को हम रिमेनिंग जो 4-5 टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो जस्ट टू लेट यू नो द डिटेल अबाउट द टॉपिक्स जो आज हम कवर करने जा रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली एक जनरल इंट्रोडक्शन है कंटेंट राइटिंग का, एंड देन द सेकंड टॉपिक इज व्हाई कंटेंट राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाई इट इज सो एसेंशियल इन टुडेज वर्ल्ड, एंड देन द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स और यू कैन से द प्रोसेस ऑफ कंटेंट राइटिंग, देन हु इज ए कंटेंट राइटर, what actually his role is or her role is, and last topic for today will be the various types of content writing. We will try to explore and look into different types or kinds of social media ke upar jo content writings ke se mutalliq hoti hain, and then in the concluding moments we'll be taking the questions from the audience ya hum usse relevant मजीद डिस्कशन करके आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट टॉपिक ऑफ कंटेंट राइटिंग, व्हिच इज ऑब्वियसली जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेंट राइटिंग। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कंटेंट राइटिंग एज वी नो, ठीक है, कंटेंट जिसको हम उर्दू में मवाद भी कहते हैं, पर्टिकुलर मटेरियल। एट टाइम्स जब कंटेंट राइटिंग की हम टर्म सुनते हैं और अगर हम उसके बैकग्राउंड के साथ इतना ज्यादा प्रीवियसली फेमिलराइज नहीं है, तो हम समझते हैं कि एक स्पेसिफिक पीस ऑफ राइटिंग सिर्फ जो है वो उसी को कंटेंट राइटिंग कहते हैं। ठीक है, जहां पे कंटेंट वर्ड यूज होता है तो हम कंटेंट से ये सेंस लेते हैं कि कंटेंट इज जस्ट
form of writing, or it is supposed to be in a kind of text. ठीक है, हालांकि word content की काफी broader एक feel है, domain है. Content is something to be expressed through a particular medium as speech, writing, or using any other kind of art. ठीक है, it is a way through which we can communicate with others in order to promote ourselves, जिसको हम self projection कहते हैं. वो हमारी individual being an individual भी हो सकती है, हमारे किसी individual venture की भी हो सकती है, हमारी किसी individual project की भी हो सकती है, हमारी किसी individual service से मुतालिक भी हो सकती है. And not only that, providing any specific piece of information is also part of content. ठीक है, and content is generally generated in four forms. Number one, text, जो कि of course writing है, जिस पे आज हम एक broader way में बात करेंगे. दूसरा audio, बिल्कुल audio जो production है, that is also part of content. जिस तरह हम देखते हैं promotional promos होते हैं, audio promos, voice overs, audio documentaries, and उसके अलावा audio podcasts, etc. Then video, ठीक है, visual ads, video documentaries, etc. Last but not the least, image, ठीक है, including photos, graphical presentation, मतलब वो tools जिनके जरिए हम visually display करते हैं किसी भी particular content को. तो ये content के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं. Okay, now what actually content writing is? Content writing is the creative process of generating content through careful planning, research, writing, editing, and then of course it is published on various platforms. Yani sirf likhna hi is not part of content writing. Content writing mein hamari research shamil hai, planning shamil hai, हमें एडिटिंग रिक्वायर्ड होती है, राइटिंग ऑफ कोर्स बीइंग कंटेंट राइटिंग, राइटिंग प्रैक्टिस से हमें गुजरना पड़ता है, एंड ऑफ कोर्स बाद में सारी चीज को अकम्प्लिश करने के बाद, इफ वी थिंक दैट वी हैव फाइनलाइज्ड आवर कंटेंट, देन दिस इज गुड टू गो ऑनलाइन, या जहां भी हमने पब्लिश करना है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे उसको डिसमिनेट करना है. तो ये सारे इसके एंगल्स होते हैं जिसको अभी हम थोड़ा बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे. और पर्पस क्या होता है बेसिकली? The main purpose of content writing is to engage, attract, and retain the readers. एक तो हमने नए लोगों को, नई audience की attentions को grab करना है. Not only that, हमने साथ ही साथ obviously जो हमारे previously connected clients हैं, उनको भी हमने अपने साथ retain करना है. Retention is a very important tool in content writing, क्योंकि आपको मुसलसल कंटिन्यूटी के साथ ऐसा कंटेंट प्रेजेंट करते रहना है मार्केट में, खुद को रेलिवेंट रखने के लिए, और आपके साथ जो ऑलरेडी एक आपकी डोमेन के साथ अटैच ऑडियंस है उसको अपने साथ कनेक्टेड रखने में. क्योंकि जहां पे हमारा कंटेंट लैक करेगा, हम अपने कंटेंट राइटिंग का के अंदर जो एक अपीलिंग टच है उसको लूज करेंगे, तो क्या होगा कि हम मार्केट से आउट हो जाएंगे. हम अपनी, चाहे वो प्रोडक्ट की हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं, सेल्फ प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, और किसी कंपनी, किसी प्लेटफॉर्म की सर्विसेज को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, या किसी भी वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें ज़रा भी अगर हमारी तरफ से इफेक्टिव कंटेंट नहीं होगा, इम्प्रेसिव नहीं होगा, तो ये इतनी मैसिव मार्केट है कि हमारी ऑडियंस जो है वो विल बी लॉस्ट इन नो टाइम. सो इट इज़ इंडीड एन इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग टूल, क्योंकि किसी भी ब्रांड्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको खुद को थ्रू ए वेरी पावरफुल कंटेंट राइटिंग कनेक्टेड रखना है ऑडियंस के साथ. एंड एडिशनली इट इज अ टाइप ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग व्हिच इज ऑब्वियसली क्रिएटेड फॉर ऑनलाइन ऑडियंस, मार्केटिंग एंड बिजनेस रिलेटेड पीपल. ठीक है, हमें इसको, वी नीड टू पब्लिश वेरियस कॉन्टेंट ऑनलाइन फॉर वेरियस रीजन्स. ठीक है, समटाइम्स द पर्पज इज टू इंक्रीज द ट्रैफिक ऑन आवर वेबसाइट. अगर हम किसी वेब
साइट के लिए वेब कंटेंट लिख रहे हैं तो उसके भी कुछ खास पर्पसेस होते हैं, जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द विजिटर्स, एंड वी कैन डू दैट बाय पुट एन अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट ऑन आवर वेब, एडिंग यूनिक काइंड ऑफ कैप्शंस. And for example, if we have launched any product, तो उसकी catchy description क्या हमने एक through like solid content writing place की है या नहीं. So business professionals often जो motive है behind it, that is to produce high quality content. वो sale purpose के लिए भी हो सकता है, advertisement blogging के लिए भी हो सकता है, articles के भी हो सकता है, and of course social media post के लिए भी hire किए जाते हैं. Because the use of powerful creative writing plays a very powerful role in the promotion and projection of various brands, companies, their services, as well as appealing description of individual ventures. क्योंकि individually भी आजकल के दौर में हर बंदा अपने आप को मार्केट कर रहा है. दराज के ऊपर देर आर काउंटलेस इंडिविजुअल वेंचर्स, राइट. आप कितनी इस तरह की फूड पांडा को फॉलो करते हुए हमारे पास कितनी ज्यादा एप्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए आप अपनी जो भी इटेबल स्टफ है उसको आप मार्केट कर रहे हैं. तो जिसका कंटेंट, जिसकी डिस्क्रिप्शन, जिसकी ऑफर्स, जिसकी मार्केटिंग स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट राइटिंग जितने सॉलिड होंगे, स्ट्रांग होंगे, आपकी एग्जिस्टेंस जो है ऑनलाइन उतनी ज्यादा एम्फैटिक होगी. और उसको आप किस तरह बेहतर बना सकते हैं, टू मेक योर कंटेंट राइटिंग क्रिएटिव, इनोवेटिव और यूनिक एक्सप्रेशंस के साथ. आप किसी भी चीज की मार्केटिंग करते हैं, हजारों प्रोडक्ट्स एक वेबसाइट पे अगर पड़ी हुई है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो भी है, लेकिन आपके डिस्क्रिप्शन क्या इस तरह की है कि आप रीडर को एक लाइन के थ्रू ग्रैब कर रहे हो कि वो उस लिंक को खोल के आपकी जो प्रोडक्ट है उसको गो थ्रू करे, या आपकी सर्विसेज रिलेटेड जो भी आप प्रमोशन कर रहे हो उसकी डिटेल पढ़े, ठीक है. इसके अलावा जो है कंटेंट राइटिंग ऑफ कोर्स वो यूज होती है वेबसाइट्स के ऊपर इमेज के टैगिंग के लिए भी आजकल, ठीक है. बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड हम अक्सर देखते हैं कि जो ग्राफिक्स हैं, जो इमेजेस हैं, उसकी भी हमें पावरफुल डिस्क्रिप्शन मिलती है. और वो जितना अच्छा कंटेंट इमेजेस के अंदर लिखा होता है, जो उन इमेजेस को डिस्क्राइब कर रहा है, उतने अच्छे तरीके से बी द पीपल हु यूज स्क्रीन रीडर्स हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फिर वेबसाइट के ऊपर जो नेविगेशन गाइडलाइंस होती है वो भी इट इज पार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग एज वेल. जिस तरह गूगल है, फेसबुक है, तो उन्होंने अपने साथ साथ नेविगेशन गाइडलाइन दी होती है कि जी आप सेटिंग्स में जाएं तो ये करेंगे, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट दैट पर्टिकुलर लिंक. तो सारी ये गाइडलाइन भी एक इफेक्टिव तरीके से इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट राइटिंग एग्जिस्ट करती है. सो दीज आर सम ऑफ द की एलिमेंट्स जो कि कंटेंट राइटिंग का हिस्सा है. और देर आर काउंटलेस प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन, या एप्स हों, या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टूल्स हों, जिसको इफेक्टिव बनाने के लिए, लोगों तक ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी के लिए, और सबसे बढ़ के एक्सेस के लिए एक पावरफुल कंटेंट की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत जरूरी होती है. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाई कंटेंट राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया. समटाइम्स लोग अपनी प्रोडक्ट पे, अपनी सर्विसेज पे, अपने प्लेटफॉर्म पे, या किसी भी तरह के ब्रांड के ऊपर, तो उसकी क्वालिटी के ऊपर तो काफी ज्यादा उसको लेके कॉशियस होते हैं. दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज अबाउट द क्वालिटी. लेकिन क्या उस क्वालिटी की प्रेजेंटेशन सही हो रही है? क्या आपका जो कंटेंट है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस ब्रांड से रिलेटेड, या आपकी किसी इंडिविजुअल सर्विस से रिलेटेड, या आपकी कोई इंडिविजुअल कोई प्रोफेशनल सर्विस है, आउटपुट आप दे रहे हैं उससे रिलेटेड, आप उसकी मार्केटिंग ठीक तरीके से कर रहे हैं, तो किन किन एरियाज में इम्पॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस है कंटेंट राइटिंग की. एक बड़ी एक ब्रॉडर सेंस में हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ की इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो देखते हैं कि जहाँ पे हम इम्पॉर्टेंस को, सिग्निफिकेंस को, और जो एक इफेक्टिव रोल ऑफ ये है कंटेंट राइटिंग,
उसकी प्रेजेंस को देखते हैं. सो वी नो विद द बूम ऑफ इंटरनेट एंड अदर यू नो ऑनलाइन इंडस्ट्रीज कंटेंट राइटिंग हैज बिकम इमेंसली इंपॉर्टेंट. आप देखें खास तौर पे पोस्ट कोविड बाहर की दुनिया में तो खैर ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग वाज प्लेइंग अ वाइटल रोल फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. लेकिन पोस्ट कोविड क्या हुआ कि बहुत सी चीजें वो अपनी फिजिकल उनके जो सेटअप थे दे वर फोर्स टू शिफ्ट दोस ऑनलाइन वर्चुअली उनको लेके आना पड़ा. और फिर ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है आपने एक दुकान खोली होती है जो बंदा गुजरता है बैनर पढ़ता है पोस्टर पढ़ता है आपका बोर्ड पढ़ता है उसको पता चल जाता है व्हाट काइंड ऑफ स्टफ यू आर डीलिंग विद. यहाँ पे क्या हुआ जब आपने सारी मार्केट इंडस्ट्रीज बहुत सी ऐसी चीजें इवन हमारे पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है ऑनलाइन तो पहले भी एजुकेशन साल हर साल से चल रही थी लेकिन जितना ये इन तीन सालों में हुआ है वो उससे पहले नहीं था. तो जिस तरह हम वर्चुअली शिफ्ट हुए हैं बहुत सी चीजों को लेके द रोल ऑफ कंटेंट राइटिंग इट्स इम्पॉर्टेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली एज वेल. सो प्रोड्यूसिंग न्यू एंड मोर रेलिवेंट कंटेंट हैज बिकम नेसेसरी नाउ जो भी ऑनलाइन अपने आप को एग्जिस्ट रखे हुए हैं सो दैट दे कैन सर्वाइव एंड स्टैंड आउट इन द कंपेटिटर मार्केट एट प्रेजेंट. क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप वही बात है आप दराज खोलते हैं देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स हर तरह की आपको वहां पे सर्विसेज मिल रही हैं. आप फौरन देखते हैं कि किसकी क्या डिस्क्रिप्शन है किसकी रेटिंग क्या है जिसकी प्रोडक्ट की कितनी कैची डिस्क्रिप्शन है कौन से एलिमेंट्स कौन सी चीजें आपको अपील कर रही हैं. ओके इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीजन क्योंकि कंटेंट राइटिंग इज कंसिडर्ड एज ए नेसेसरी स्किल वर्ल्ड वाइड क्योंकि दिस इज वेरी वाइटल फॉर द ऑनलाइन बिजनेसेस टू ग्रो एंड टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. जैसा कि मैंने कहा आजकल बहुत से इंडिविजुअल्स भी अपने वेंचर्स को सेटअप कर रहे हैं प्लेस कर रहे हैं ऑनलाइन तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कंटेंट राइटिंग के थ्रू अपने आप को प्रोजेक्ट करें. बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट एनी प्लेटफॉर्म और सर्विसेज रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन द बिजनेसेस नीड टू इंश्योर that the website contain quality and relevant content. हम अक्सर देखते हैं कि products चाहे जिसकी जितनी भी बेहतर है अगर हमें उनकी websites के ऊपर या जिस भी platform पे उन्होंने अपने आप को showcase कर रखा है अगर वहां पे हमें desired information ही नहीं मिल रही या वो चीज ही नहीं मिल रही which we are looking for तो हम उसको skip कर जाएंगे. तो उसमें बड़ा स्मार्टली जो है चीजों को देखना पड़ता है फैक्टर्स लाइक कीवर्ड्स डेंसिटी जिसको हम आगे जाके थोड़ा पढ़ते हैं कि किस तरह की रैंकिंग में उन्होंने चीजों को किया हुआ है. हम देखते हैं ना कि क्या इसके भी कितने रेटिंग है 4 out of 5 फिर क्या व्यूज क्या है फिर आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑब्वियसली आपको व्यूज की सबमिशंस का उधर देना पड़ता है प्रोजेक्शन करनी पड़ती है. यू हैव अ टाइम टीम ऑलवेज बिहाइंड जो कि सारी चीजों को देख रही है. आप अपनी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं प्रोजेक्शन पे काम कर रहे हैं और प्रमोशन पे काम कर रहे हैं. सो द क्वालिटी कंटेंट इज कंसीडर्ड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टूल सो दैट वी कैन बेसिकली प्रोड्यूस अपीलिंग एंड अटेंशन ग्रैबिंग कंटेंट. हम अपनी ऑडियंस को कोई भी बिजनेस से मुतालिक है उनको उसी लम्हे ग्रैब कर पाएंगे अगर हमने उनको उनके मतलब की डिस्क्रिप्शन दी हुई. बिकॉज गुड राइटिंग स्किल इज रियली नेसेसरी टू प्रोड्यूस वेरियस फॉर्म ऑफ कंटेंट्स लाइक ईमेल न्यूज़लेटर्स ब्लॉग्स वेरियस अदर काइंड्स ऑफ कंटेंट राइटिंग जो हम अभी बाद में पढ़ेंगे जस्ट टू keep the customers on their toes कि यार इस चीज को देखें यहां कुछ exciting लग रहा है यहां कुछ ये offer मुझे ज्यादा समझ लग रही है. So this is a wonderful skill ये जो content writing है जिसके जरिए आप end result आप जो चाह रहे हैं एक चीज launch करने के बाद या आपको अगर hire किया गया किसी और के behalf पे कि आप
उनकी खास प्रोडक्ट को, किसी नॉट जस्ट द प्रोडक्ट्स, किसी के सर्विसेज को, किसी के ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रमोट करें सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप किस तरह इफेक्टिव टूल्स के जरिए एंड थ्रू योर पावरफुल कंटेंट राइटिंग यू कैन रीच द मैक्सिमम लेवल ऑफ पीपल एंड द मैसिव ऑडियंस. सम ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट राइटिंग अगर थोड़ा उसको और देखा जाए तो उसमें यह है कि जो हमारा ब्रांड की सारी अवेयरनेस है वो भी तब तक पॉसिबल नहीं होती है अमंग द पब्लिक जब तक हमारी कंटेंट राइटिंग नहीं है. बिकॉज इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड द कस्टमर्स गेट कनेक्टेड विद अस थ्रू आर कंटेंट. वो हमारा कंटेंट देखते हैं, फिर ऑफ कोर्स अगर उन्हें समय लगेगी तो दे विल गिव अस अ कॉल और दे विल जस्ट ड्रॉप एन ईमेल, अदरवाइज वो फौरन अगली चीज की तरफ चले जाएंगे. In order to pitch our services, again the importance of content writing cannot be ignored. आप अपने आइडिया को पिच करते हो, आप इंडिविजुअली अपनी कोई सर्विसेज सेल करना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसको अपीलिंग बनाओगे तभी जब आप पावरफुली कॉन्टेंट वहां पे डिलीवर कर पाएंगे, कन्वे कर पाएंगे लोगों तक. जितना स्ट्रांगली आप अपने आइडिया को, अपनी सर्विस को, अपनी जो भी आप आउटपुट देना चाह रहे हैं, उसको मार्केट करना चाह रहे हैं लोगों में ऑनलाइन ऑडियंस के दौरान, उसको अगर आप बहुत इम्प्रेसिव तरीके से पिच करना चाहते हैं तो स्मार्ट यू नो एंड क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. बिकॉज टू पिच एनी पर्टिकुलर आइडिया टू कन्विंस द ऑनलाइन ऑडियंस, इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू यूज इफेक्टिव and attention seeking content writing. What is the further role of content writing for marketing purpose? jab hum social media ko use karte hain, as I said, content writing is also important in order to retain our clients. अपनी subscription को, obviously we want our subscribers to get resubscribed to our product, our services again and again. तो उसमें हमें continuity के साथ एक presentable way में content को उन तक convey करना पड़ता है, which is called customers retention technique. ठीक है, कस्टमर को की रिटेंशन के लिए, उनको अपने साथ फ्यूचर के लिए भी कनेक्टेड रखने के लिए आपको एक सॉलिड वे में अकॉर्डिंगली कंटेंट डिजाइन करना पड़ता है. बिकॉज वंस द कस्टमर हैव बीन एक्वायर्ड, आपने को अच्छे तरीके से पिच किया, सर्विसेज मार्केट की, अपने इंप्रेसिव कंटेंट के जरिए लोगों को अपनी प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद बड़ा जरूरी होता है टू कीप देम एंगेज टू योर बिजनेस. ये जो भी आपकी सर्विसेज हैं, कुछ ना कुछ आपको ऐसा करते रहना है. यू जस्ट, हम देखते हैं ना कि हमारी कहीं पे सब्सक्रिप्शन होती है तो मैसेजेस की पॉपिंग अप के जी अच्छा न्यू ऑफर, अब आपको ये मिल रहा है, इस वीकेंड पे ये मिल रहा है. तो इन इफेक्टिव टूल्स के साथ और काइंड ऑफ माउथ वाटरिंग स्टफ जो होता है कॉन्टेंट को लेके, उन टेक्निक्स के जरिए, उन कैची डिस्क्रिप्शन के जरिए you are forced to look into those things. So content writing helps to build a brand awareness. People need time and awareness to like your product. ठीक है? Because pushing your business ideas is not an overnight process. आपको appealing content जो है वो लोगों तक convey करनी पड़ती है for your target audience. In order to achieve the desired number, जो भी आप चाह रहे हैं, उसमें we need to maximize the use of our social media pages, हमारे जो social accounts हैं, उसका हमें सहारा लेना पड़ता है, newsletters, blogs, different websites के ऊपर जो publicity sections होते हैं, ताकि हम अपने engaging content के जरिए जो है ज्यादा से ज्यादा जो ऑनलाइन ऑडियंस है उसमें से लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर पाए. इन द मार्केट
बिकॉज देर आर सीरीज ऑफ अकम्प्लिशमेंट्स ऑनलाइन के जहां का आउटकम जो है दैट कैन अचीव्ड विदाउट यूजिंग ए पावरफुल कंटेंट. अब उसमें किस तरह की चीजें आ जाती हैं जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है कंटेंट राइटिंग की, फ्रॉम ब्रांड पब्लिसिटी टू सर्विसेज प्रमोशन, फ्रॉम इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स टू अदर क्रिएटिव राइटअप्स, फ्रॉम वेब कंटेंट टू फैसिनेटिंग ब्लॉग्स, फ्रॉम कैची डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट टू पर्सनल प्रोफाइलिंग, यानी जिस तरह हम लिंक्डइन वगैरह पे अपनी सेल्फ प्रोफाइलिंग करते हैं, फिर दीगर चीजों की हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, हम वेब कंटेंट को फैसिनेटिंग बनाने के लिए जबरदस्त कंटेंट का सहारा लेते हैं, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल तक नहीं पहुंचा सकते हैं, इवन द इवेंट्स कवरेज, द हाईलाइटिंग ऑफ एनी ऑन गोइंग एक्टिविटीज, वो तब ही आप मार्केट पे पहुंचा सकते हैं, ग्लोबली दुनिया तक पहुंचा सकते हैं साइबर वर्ल्ड के थ्रू, इफ यू हैव मैनेज टू पुट अप अ डिसेंट शो विद योर कंटेंट. सो एवरीवेयर यू सी द पावरफुल कंटेंट और द यूज ऑफ पावरफुल कंटेंट इज प्लेइंग अ वेरी यूजफुल रोल. ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक स्टेप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग. मैंने शुरू में बात की थी कि कंटेंट राइटिंग को जब हम एकदम से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, तो वी थिंक दैट मे बी इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट अ होल ऑफ प्रोसेस ऑब्वियसली इज रिक्वायर्ड. देर आर सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू कम अप विद टेक्निक्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ ऑब्वियसली ऐसे मेजर्स हैं जो कि काफी नेसेसरी होते हैं, उसको हम देखते हैं. ऑलराइट जी, सो इन ईच फेज ऑफ कंटेंट राइटिंग प्रोसेस देर आर एज आई सेड सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड. सबसे पहली जो चीज है बिफोर एक्चुअली यू गिविंग इट ट्राई, जब आप कंटेंट राइटिंग इवन लिखना स्टार्ट करते हैं, यू हैव टू सेट अप ए गोल. ठीक है, वी हैव टू सेट ए स्पेसिफिक गोल ऑफ कोर्स, कि हमारा जो भी मैं पर्टिकुलर कंटेंट, चाहे वो वन लाइनर है, चाहे वो वन पैराग्राफ है, चाहे वो प्रमोशनल आर्टिकल है, वट एवर काइंड ऑफ यू नो कंटेंट राइटिंग वी हैव टू कम अप विद, उससे पहले उसकी जो उसको प्री डेवलपमेंट स्टेज है उसके अंदर हमने अपना एक गोल सेट करना है. बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो बिफोर स्टार्टिंग आर कंटेंट राइटिंग व्हाट गोल यू वांट टू अचीव विद इट. हमारा टारगेट क्या है, पर्पस क्या है, व्हाट एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव इज. ठीक है, वी हैव टू बी क्लियर अबाउट आर एंड रिजल्ट और द फाइनल आउटकम. And we should be very much clear about the fact that hum kis purpose ke तहत likhne ja rahe hain. That will basically help us a lot to come up with the better content. For example, we need to keep things in mind such as, can this content be re-engage the former clients and customers? Agar hamara purpose ye hai ki hamari ek cheez chali aa rahi hai, उसमें हमने ऑडियंस को री इंगेज करना है, अपने साथ रिटेन करना है, तो उसमें हम ऐसा क्या ऐड करें जो प्रीवियसली नहीं था. ठीक है, टू मेक द ऑफर, टू मेक द स्टफ वंस अगेन मोर एक्साइटिंग टू देम, मोर अपीलिंग टू देम. वेरी क्रूशियल टू मीट द एक्सपेक्टेशन. मिसाल के तौर पे रिसर्च एंड प्लानिंग, फर्दर अगर जब हम इसकी बात करते हैं तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर गोल, कि हम जो कंटेंट राइटिंग करने जा रहे हैं
सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, ब्रेक ब्रेक होकर आ रही है। All right, some internet issues की वजह से उनका शायद आवाज नहीं आ रही। हनीफ पॉज कीजिएगा। सलमान आर यू रेडी? जी मैम आवाज आ रही मेरी? यस जी जी आवाज आ रही ना? जी जी सर आवाज आ yes. रही है। Okay. Continue. So we were discussing more important elements, जो important steps while creating content writing होता है उसमें I was talking about research and planning. ठीक है, research basically means to make sure about the kind of information या content, whether it is factual, facts based है, accurate है. And we also need to see the verified information. Jo bhi hum de rahe hain, we really have to be careful about that. Because if it is found out by our readers, by our audience, ki hamara jo content hai, it is not based on facts. So then market mein ek baar aap trust lose karein, to phir this is really difficult to regain that. So a wise research will always increase people interest in your product and in whatever you know marketing elements jo bhi aap convey karne ki koshish kar rahe hain. Research basically also means to go through the similar kind of things online jo aap jis cheez ko leke marketing kar rahe ho, projection kar rahe ho, usse related similar jo nature of content writing hai, similar kind of products ki, wo aap dekhein ki unka andaaz kya hai and what different you can do with yours. That is the key point. Kyunki sometimes hota hai, agar hamara similar item hai, similar ek project hai, service hai, to just giving you an example, hum jazz company ki mujhe publicity karni hai, main dekhunga Zong walon ne kya ki hui hai, to main unhi ka hi template jo hai projection ka ya jo unka ek ad hai, usko utha ke and I'll just make you know little changes, दो चार words की मैं rephrasing करके अगर उसको दे दूंगा and if it is find out कि मेरी copy है obviously एक original या genuine या self created content नहीं है, तो क्या होगा कि आप अपने content को charming नहीं बना सकेंगे and again you will have no idea कि आप आइंदा से भी अपना जो काम put up करने जा रहे हो, showcase करने जा रहे हो, आप उसको किस तरह unique बनाओगे. So it is really important to go through other contents, that's fine, but you have to produce your own striking but original content. Acha, phir a smart research about various promotional tools is really important. Planning jo hai is the second step, another step. An intelligent planning is important step while preparing or before preparing our content. Planning basically works wonders when we are into the process of content creation, chahe hum uski writing ki baat kare, editing ki baat kare, and of course end mein jo humne publishing karni hoti hai usko bhi bada plan out karke humne karna hai. Because without a proper plan we can miss out the opportunity to reach the exact audience. Yani hamari jo intended audience hai us tak hum proper planning ke sath hi pahunch sakte hain. Theek hai, you have to choose the right platforms for the right audience. Theek hai, phir further research planning ki baat kare to content writing ke andar another technique which is associated with research and planning. ठीक है, क्योंकि आप जब एक हिकमत अमली के साथ एक स्ट्रेटजी के साथ अपने कंटेंट को डिसेमिनेट करते हो, स्प्रेड करते हो, तो फिर आपको ऐसी टेक्निक्स ऐसे टूल्स को भी प्रोसेस के अंदर लेके आना पड़ता है. उसमें जो सीओ टेक्निक है एसईओ, दैट प्लेज अ वाइटल रोल जब भी आप अपने कंटेंट राइटिंग को शोकेस करते हो. अब सीओ क्या है? बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ये एक वास्ट टॉपिक है अलग से, बट जस्ट टू गिव यू ब्रीफली अबाउट दैट कि जब हम कंटेंट के फेस पे होते हैं कंटेंट क्रिएशन के, तो हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी इसको मद्देनजर रखते हुए अपना कंटेंट क्रिएट करना होता है. इट बेस जो ये एसईओ है, इट बेसिकली मीन्स राइटिंग अपीयर दोस कीवर्ड्स जब कोई सर्च करे तो. ठीक है, सर्च ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इसमें प्लानिंग का रोल, स्ट्रेटजी का रोल इसलिए जरूरी है कि आपने उसमें वो कीवर्ड स्मार्टली यूज करने हैं जो अगला सर्च करे तो फौरन आ जाए. ये क्या मैसेज आ रहा है? मिस अनम, आई एम हियर. Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, so, जैसे हम जैसे हम एक for example एक चीज डाल रहे हैं food related अपने item की, तो हमने उसमें बड़े smartly hashtags keywords use करने हैं कि अगला अगर in general कोई लिखे तो हमारे उन top results के अंदर appear हों. This is connected with SEO, search engine optimization. We have to make sure that main keywords or phrases that we are using, वो ही expectedly हों जो के लोग search करेंगे, लिखते हुए search करेंगे. And same goes for the websites. अगर हम website के ऊपर कोई ऐसी चीज डाल रहे हैं for the general public, तो हम वेबसाइट के टाइटल के अंदर और वेबसाइट के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म पे भी ऑन डिफरेंट पेजेस ऑफ द वेबसाइट उन कीवर्ड्स को रिपीटेडली यूज करेंगे, सो दैट इफ समबडी सर्चेस स्पेसिफिक की टर्म्स और कीवर्ड्स तो वो हमारी वेबसाइट टॉप पे आए. तो इसमें एक टेक्निक ये भी हो सकती है, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट the right use of keywords, तो एक keyword research का भी step होता है जो content writer, जो smart content writer है वो use करता है. Because before we publishing or writing content, we have to have a comprehensive list of right keywords that are compatible or connected with our content. और फिर उन phrases को, उन keywords को हम जितना use करेंगे, चांसेस आर देयर के हमारे जो भी पीस ऑफ कंटेंट राइटिंग है दैट विल बी एक्सेसिबल फॉर द ब्रॉडर ऑडियंस. ओके, फर्दर मोर उस स्टेप्स में बात कीजिए, स्टाइल एंड टोन आ जाता है, वो हमारी इस तरह अट्रैक्टिव होनी चाहिए. दिस इज मोर ऑफ कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी. अभी हमने कुछ लोगों ने रिसेंटली जो नई सुबह के स्टूडेंट्स थे उसमें हमने जो क्रिएटिव राइटिंग के कोर्स की उसमें ये चीजें थी. जस्ट टू गिव यू ब्रीफली के हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो कैची होनी चाहिए, हमारा जो स्टाइल है, टोन है, वो जब वाइल क्रिएटिंग एनी कंटेंट वी हैव टू हैव इट इन माइंड कि हम जितना ज्यादा अपीलिंग बनाएंगे उतना ही ज्यादा हम लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस को ग्रैब कर सकेंगे. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप इज to place our content using the right channel. अच्छा, ये किसी का माइक ऑन है, अगर आप ऑफ कर लेते हो. यानी राइट, चूजिंग राइट प्लेटफॉर्म्स से मुराद ये है कि क्या हम मैक्सिमम ऑडियंस को हासिल करने के लिए उन्हीं रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स का सहारा ले रहे हैं जिसके थ्रू वी कैन रीच द एक्सपेक्टेड नंबर. बिकॉज द रियल purpose of content writing will only be achieved when it's spread massively and intelligently. Yani massively spread bhi ho aur intelligently hamari jo bhi required audience hai us tak ye sari baat pahunch jaye. Jo bhi hum ek product ko leke, service ko leke, social media ke upar marketing tools ko leke, jis bhi cheez ko hum project kar rahe hain,
So all in all, the right steps taken before and during the content writing definitely make a huge difference. Okay, jaldi se aage agle do topics ko wind up kar karte hain. Who is basically a content writer? What is demanded of content writer? Second last topic hamara ki content writer ka sara role kya hai? Basically, we know a content writer is a professional writer who is supposed to have great skills regarding, of course, content writing. ताकि वो various social platforms के ऊपर जो है वो किसी का भी desired content, वो उसका अपना भी हो सकता है and in the case of being hired, वो किसी के behalf पे भी लिख सकता है. So a content writer has this responsibility to create content that is not only, that should not only be appealing, but it has to be relevant and it should reach the targeted audience. The skillful content writer will always play a huge role in achieving the desired outcome. A content writer can make it or break it. ठीक है, जितना अच्छा कंटेंट कंटेंट राइटर लिखेगा स्मार्टली इंटेलिजेंटली टू द पॉइंट एंड कीपिंग इन माइंड द मार्केट एलिमेंट्स, उतना ही अच्छे आपकी प्रोडक्ट बेस या जिस भी चीज की आप एडवर्टाइजमेंट चाह रहे हैं उससे रेलिवेंट आपका रिजल्ट आएगा. अच्छा, फिर उसके और क्या क्या फर्दर रोल्स होते हैं? द कंटेंट राइटर हैज अ रोल ऑफ कॉपी राइटर. अच्छा, कॉपी राइट्स, एक तो कॉपी राइट्स होता है ना, वो जो परमिशन होती है, फॉर एग्जाम्पल कि जी इस मेरी पब्लिकेशन को आपने फर्स्ट टाइम कहीं और करना है या किसी और चैनल पे करना है तो यू नीड माई परमिशन, जिसमें लीगैलिटी लीगल चीजें सारी इन्वॉल्व होती हैं. ये कॉपी राइटर WRI वाला ही राइट है. इससे मुराद ये होता है कि जब आपके कोई भी खास इंफॉर्मेशन किसी सेलिंग या मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो बंदा मार्केट कर रहा होता तो उसको कॉपी राइटर कर देते हैं. तो एक तो कंटेंट राइटर का रोल कॉपी राइटर का होता है, यानी वो एट द सेम टाइम्स ब्रांड की प्रोजेक्शन कर रहा है. गोस्ट राइटर के थॉट पे भी कंटेंट राइटर काम कर रहा था. गोस्ट राइटिंग क्या होती है? व्हेन यू राइट फॉर समवन एल्स. ठीक है, ऑनलाइन ऐसा बहुत होता है कि जी मैं किसी को कहता हूँ, कोई कंटेंट राइटर हायर करता हूँ, उसको कहता हूँ ये आर्टिकल लिखो, आई एम गिविंग यू असाइनिंग यू दीज 5 topics, इस पे आप मुझे लिख के दो एंड देन मैं उसको पे करूंगा, लेकिन मैं वो आर्टिकल्स अपने नाम के साथ कहीं पब्लिश करूंगा. देन ही इज वर्किंग एज ए गोस्ट राइटर. ऑलराइट, तो किसी के बिहाफ पे लिखना, यानी टू वर्क एज ए गोस्ट राइटर. फिर आपको, यू ऑलवेज एक्सपेक्ट द गुड कंटेंट राइटर टू बी SEO स्पेशलिस्ट. SEO जो मैंने कहा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड भी उन्हें टेक्निक का पता होना चाहिए कि किन किन टर्म्स को, कीवर्ड्स को हम स्मार्टली यूज करके अपने कंटेंट को वी कैन कीप इट मोर प्रोमिनेंट एंड नोटवर्दी ऑन द मैसिव ओशन लाइक वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट. क्योंकि जाहिर है हजारों लाखों की तादाद में कंटेंट मिनट बाय मिनट सेकंड बाय सेकंड अपलोड हो रहा है, तो उस सारे एक मैसिव डोमेन के अंदर जस्ट टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट उसमें बड़ा जरूरी होता है कि आप इन टेक्निक्स को यूज करें. सो द अल्टीमेट गोल फॉर ए कंटेंट राइटर रिमेन्स द सेम, और वो ये है वी दैट दे नीड टू क्रिएट अट्रैक्टिव रेलिवेंट एंड एंगेजिंग कंटेंट. So there are a few qualities जो कि must हैं किसी भी content writer के लिए, जल्दी से वो देख लेते हैं. Writing communication skills, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है. हाँ, ये जरूरी नहीं होता कि एक अच्छा English लिखने वाला who is good in English writing, general writing, वो एक अच्छा content writer हो सकता है. लेकिन एक अच्छे content writer के लिए ये जरूरी है कि वो English writing या writing communication के अंदर भी skills रखता हुए, because he should have the ability to communicate clearly and concisely. ठीक है, आपने sometimes you are often given the task, you know, in around 50 to 100 words, आपने 50 से 100 words के अंदर, यानी लगभग 6 से 7 sentences बनते हैं, उसके अंदर अंदर इतनी
एलिमेंट्स को इंग्रेडिएंट्स को सम अप करना है तो विद योर स्मार्टनेस विद योर क्रिएटिविटी एंड विद योर आर्टिस्टिक राइटिंग यू कैन अचीव इट. ओके दे ऑल्सो हैव शुड हैव द नॉलेज अबाउट बेसिकली द बैकग्राउंड ऑफ द ऑडियंस के आप देखो एक फेसबुक पेजेस पे आप लिखते हो हम ऐसे अगर सोशल पेजेस के साथ कनेक्टेड है जहाँ पे लोग अंग्रेजी इतनी अच्छी समझते नहीं है देख नहीं रहे हैं और वहां पे हम हाई फाई अंग्रेजी में लिख के ऐड डाल देंगे तो इट विल किल द पर्पस. तो ऑडियंस का बैकग्राउंड देखना भी एक अच्छे कंटेंट राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ हमने इम्प्रेस नहीं करना. हम अक्सर देखते हैं कि हमें फूड पांडा की तरफ से बाइनेंस की तरफ से अदर जो राइड सर्विसेज हैं राइड हेलिंग एप्स हैं तो उसकी तरफ से रोमन उर्दू में मैसेजेस आ रहे होते हैं बिकॉज वो एक मेजॉरिटी के फैक्टर को जहन में रखते हैं. अगर 100,000 लोग में से 10,000 लोग अंग्रेजी बहुत अच्छी समझते हैं तो देर आर चांसेस कि उसमें से बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे जो 90,000 लोग नहीं समझ पाएंगे. सो देयर कम्स द इम्पॉर्टेंट रोल एंड स्मार्टनेस ऑफ द कंटेंट राइटर कि वो मैसिवली ऑडियंस तक पहुंचने के लिए उसी लैंग्वेज उसी अंदाज उसी डिक्शन में वो अपनी बात कम्युनिकेट करेगा. देन अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट और ऑफ द रोल ऑफ कंटेंट राइटर इज क्रिएटिविटी. ठीक है क्रिएटिव माइंड क्रिएटिव थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना कुछ कैप्शनिंग करना हटके करना वो बहुत जरूरी है. ठीक है द कंटेंट राइटर हैव टू कम अप विद इंटरेस्टिंग एंड समथिंग यूनिक कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज बेस्ड चीजें ताकि वो स्टनिंगली ग्रैब करे अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स और विजिटर्स ऑनलाइन. हम मिसाल देखते हैं कि जब हम कुछ ऐसे YouTube को हम गो थ्रू कर रहे होते हैं तो देर आर स्ट्राइकिंग टाइटल्स कैप्शनिंग इतनी स्ट्राइकिंग होती है कि वी कैन नॉट रिजिस्ट ओपनिंग इट. लेकिन जब हम खोलते हैं तो हमें गुस्सा चढ़ता है कि यार व्हाट नॉनसेंस इज दिस कि ये था तो अंदर उस तरह का नहीं था बट फॉर अ मोमेंट क्या हुआ उसने तो व्यू ले लिया ना हमसे जस्ट बिकॉज ऑफ स्मार्टनेस. यस यस सो दैट इज वन ऑफ the key role of content writer, ना सिर्फ वो YouTube के लिए किसी भी चीज के लिए वो एक क्रिएटिविटी के साथ इमेज टैगिंग करे डिस्क्रिप्शन दे वन लाइनर दे प्रोडक्ट समअप समरी दे के अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट में इट सेल्फ एग्जिस्ट करती है नहीं बट इट शुड फोर्स द रीडर्स टू गो थ्रू दैट. फिर उसके रिसर्च स्किल्स जो हैं वो कॉन्टेंट राइटर के टॉप नॉच होने चाहिए. ऊपर जितनी मैंने रिसर्च प्लानिंग से रिलेटेड सीओ टेक्निक्स के रिलेटेड बातें की हैं तो वो तब ही सारी कंप्लीश होंगी अगर कंटेंट राइटर इन चीजों के मुतालिक जानता है. ही शुड बी एफिशिएंट इनफ इन ऑब्वियसली यू नो यूजिंग कंप्यूटर एंड स्टाफ एप्स इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो टूल्स हैं मार्केटिंग के क्या वो उनको इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं कि नहीं. Because researching and gaining information on any specific topic is really vital to present the information in a grand manner. Achha, phir time management is another skill which is required on the part of content writer. Bahut se log jo hain content writing mein bahut acche hote hain. Lekin unko kaam isliye nahi milta, they are unable to basically meet the deadlines. Agar unhe kaha jata hai, theek hai, hum aapko $30 de rahe hain. ये 24 आवर्स के अंदर अंदर हमें कल तक ये इसी टाइम तक चाहिए. लेकिन अगर उसको वो कम्प्लिश नहीं कर पाते और फॉर दैट मैटर एनी अदर यू नो असाइनमेंट जिसकी आपको डेडलाइन दी गई है आप उसको नहीं कर पा रहे एंड इफ यू नो कि ये मुझे 300 वर्ड्स के 5 आर्टिकल आज लिखने हैं इस टाइम में तो आप इंटेलिजेंटली टाइम फ्रेम को पूरा करते हुए नहीं चलते तो ऑब्वियसली यू विल लैक लॉट being a content writer phir log aapko itni worth nahi denge no matter however good you are in your content writing skills. Then comes the technical skills. theek hai technical skills mein bhi seo aur algorithm mutalliq cheeze aa jati hain knowledge aa jata hai. they should have the computer related efficiency content management tools ka unko pata hona chahiye कि जी किन किन चीजों को किन किन टेक्निक्स को यूज करके हम वास्टली
अपने कंटेंट को स्प्रेड कर सकते हैं. ऑलराइट, क्विकली मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे. इंशाल्लाह बिफोर गोइंग थ्रू द लास्ट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट सैटरडे का होगा उसमें, क्योंकि कुछ मुझे आज क्वेश्चंस आ रहे थे कि विजुअली इम्पेयर्ड के हवाले से भी सर इसमें आप कुछ बताएंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट 4-5 टॉपिक्स हैं कमिंग सैटरडे को, तो उसमें जो मेजर पार्ट ऑफ टॉपिक्स हैं, 2-3 टॉपिक्स हैं, वो इसी से मुतल्लिक हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड किन किन कॉन्टेंट राइटिंग में आ सकते हैं एंड हाउ थिंग्स वर्क फॉर दैम. ओके, अभी हम पढ़ रहे हैं जो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट राइटिंग. देखें, वैसे तो देर आर सीरीज ऑफ एलिमेंट्स और यू नो पब्लिकेशंस ऑनलाइन जो कंटेंट राइटिंग में आती हैं, उसमें से कुछ हम देख लेते हैं. नंबर वन, आर्टिकल राइटिंग. ठीक है, आर्टिकल्स एज वी नो आर यूजली इंफॉर्मेटिव पीसेस एंड लिटिल लेंथी एट टाइम्स. पर्पज इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ गिवन टॉपिक. And in some cases, content writers are demanded to produce articles with the aim to promote any organization, educational institution, product, services. ठीक है, हम अक्सर अखबारों में भी देखते हैं ना, publicity के लिए लिखा होता है कि जी इस इदारे में ये खासियत है, इस internet company की services में ये अच्छाइयाँ हैं, इस telecommunication जो एक institution है उसमें ये मतलब उसकी प्रोजेक्शन हो रही होती है. तो सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल्स नहीं होते, प्रोजेक्शन बेस्ड भी आर्टिकल्स होते हैं एंड दैट आर ऑब्वियसली वन ऑफ द टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग. फिर आ जाते हैं कॉपी राइटिंग. जिस तरह मैंने शुरू ऊपर कॉपी राइटर का तस्करा किया था, कॉपी राइटिंग इज अ टाइप ऑफ कॉन्टेंट राइटिंग दैट एम्स टू सेल एंड ऑफरिंग द मार्केटिंग एलिमेंट्स, जिसमें आप किसी वेबसाइट के लिए उसकी पब्लिसिटी को लेके जो भी स्टफ्स विच दे हैव प्लेस्ड ऑन देयर वेबसाइट्स उसकी मार्केटिंग के लिए उनको अपनी सर्विसेज दे रहे होते हो. एंड कॉपीराइटिंग कंटेंट इज यूजुअली जी बस मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, देन आई टेक योर क्वेश्चन. ठीक है, आप सोच के रखें. इट्स यूजुअली शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. ठीक है, कॉपीराइटिंग जो होती है ये बिल्कुल to the point होती है. Sometimes 3-4 lines के अंदर उस content में सारा जो एक चीज है, purpose है, उसको describe कर दिया जाता है. Copywriters also use powerful techniques like important and catchy headlines, ठीक है, call to actions and emotional triggers to get the readers to the desired action. यानी सम टाइम वो इमोशनली ट्रिगर करने से मुराद ये है कि वो आपको एक्साइट करते हैं, कि आपको कहते हैं ना कि जी इससे अच्छी ऑफर कहीं नहीं मिलेगी, 3-in-1 ये वो, इसको कहते हैं इमोशनली ट्रिगर करना किसी को, भले ही उससे अच्छी मिल रही हो, बट द वे दे हैव अट्रैक्टेड यू, दे हैव ग्रैब्ड यू टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट, वो एक इन इटसेल्फ इज एन आर्ट. और इसमें किस किस तरह की आ जाती हैं, दीज इंक्लूड सोशल मीडिया मार्केटिंग कंटेंट एंड प्रमोशनल एड्स एक्सेट्रा, क्योंकि उसमें यही होता है कि आपने अपील करना होता है टुवर्ड्स दोज थिंग्स जनरल ऑडियंस को. ओके, देन कम द प्रेस रिलीजेस. प्रेस रिलीजेस आर ऑफ कोर्स आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग. जो प्रेस रिलीजेस हैं, दीज आर official statements that are usually sent out to the media with the aim to generate press coverage for a particular project. Hum dekhte hain aksar ki ji hum ye karne ja rahe hain, bade bade idare, institution, platforms jo hain wo press release jari kar dete hain so that media related people can cover those events. Then comes the technical writing. ठीक है, टेक्निकल राइटिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्टेंट राइटिंग विच फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्निकल सब्जेक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स. ठीक है, दिस यूजली इज लेंथी और उसमें काफी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हुई होती हैं एंड इट इज बेसिकली यूज्ड एम फॉर द ऑडियंस जिन्हें प्रायर नॉलेज होता है उन चीजों का, उस सब्जेक्ट का. ठीक है,
आमतौर पे इनमें जो चीजें इंक्लूड हैं टेक्निकल राइटिंग में, उसमें यूजिंग जो मैनुअल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम यूजर मैनुअल्स कहते हैं, वो होते हैं, इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस होती हैं, FAQs होते हैं जिन्हें हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कहते हैं ऑनलाइन, तो ये सारी चीजें होती हैं जो जिनकी टेक्निकली डिस्क्रिप्शन दी गई होती है फॉर द पब्लिक ऑनलाइन। फिर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कौन से आ जाते हैं, जो लेंथी कंटेंट होते हैं। सॉरी सर, ये मैनुअल्स, वो वाले मैनुअल्स है ना जो मोबाइल के डब्बे में होते हैं कागजात? हाँ जी, हाँ जी, वो उसी तरह के जो ई मैनुअल्स हैं वो टेक्निकल राइटिंग वही होती है। आप कोई डिवाइस लेते हैं, कोई गाइडेड लेते हैं, उसको यूज करने के उसके सारे जो ऑपरेटिंग फंक्शंस है उसके लिए मिलता है, वो भी ऑब्वियसली मैनुअल होता है। तो उस तरह के जो ई मैनुअल्स होते हैं या आप कोई सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं अक्सर, तो वो रीडमी फाइल आती है ना, उसके अंदर सारी टेक्निकल राइटिंग होती है रिगार्डिंग दैट सॉफ्टवेयर और ऐप एक्सेट्रा, जो भी प्रोग्राम रिलेटेड स्टफ होता है। अच्छा, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में आ जाता है ई बुक्स, केस स्टडी, जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं, वाइट पेपर्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, ये सारा कुछ जो है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में आ जाता है। ओके, देन कम्स अ स्क्रिप्ट राइटिंग। दिस टाइप ऑफ कंटेंट इज यूज टू क्रिएट कंटेंट फॉर वीडियोस, पॉडकास्ट, ठीक है। सच कंटेंट इज यूजली शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, जो कि ये डिस्क्रिप्शन देता है कि विच इज दिस वीडियो अबाउट, व्हाट इज दिस वीडियो अबाउट एंड विच काइंड ऑफ कंटेंट दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट और वीडियो एक्चुअली कंटेन्स, वेरी शॉर्टली टू द पॉइंट। फिर आ जाती प्रोफेशनल राइटिंग। प्रोफेशनल राइटिंग इज अ टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग विच इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन थ्रू प्रोफेशनल कम्युनिकेशनल चैनल्स, और वो कौन कौन से हैं, सच एज बिजनेस ईमेल्स, ठीक है, मेमोज, लेटर्स, जो ईमेल न्यूज लेटर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आमतौर पर स्टाइल ऑफ राइटिंग इज यूजली फॉर्मल एंड इट कवर्स वेरियस यू नो टॉपिक्स, जो उनकी कंपनी रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही होती है उसको लेके। इट कैन बी बेस्ड ऑन प्रपोजल्स, मार्केटिंग प्लान्स, एम्प्लॉयज कम्युनिकेशन आपस में जो भी उनका हो, तो वो सारी जो उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो इन चीजों के थ्रू आ जाती है। ब्लॉग जो ब्लॉग पोस्ट हैं, बेसिकली दिस कैन बी फिल्ड विद वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्सनल डायरी टाइप भी हो सकती है, डिपेंड्स कि किस तरह के पेज के ऊपर आप कौन सी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स जो के रिलेटेड टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है, आपने एक चीज लॉन्च की है, आपने 150 वर्ड्स का उसका एक इंफॉर्मेशन पीस लिखा है, व्हाट दिस प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट, मार्केटिंग नहीं कर रहे, जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप। एनी पर्टिकुलर सर्विस एट टाइम्स रिक्वायर्ड पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उन्हें इंफॉर्मेशनल कहा जाता है, ठीक है। फिर ई कॉमर्स स्टोर्स वगैरह के लिए भी आपने अक्सर, हम प्रो पाकिस्तानी में देखते हैं इस तरह के इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स हमें पढ़ने को मिलते हैं, जो कि इस तरह की सर्विसेज ऑनलाइन सर्विसेज के लिए होती हैं। सो ऑल इन ऑल दीज आर सम ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग जो हमें अक्सर ऑब्जर्व करने को मिलती हैं, नॉट जस्ट दीज, इसके अलावा भी देर आर यू नो सम ऑफ द टाइप्स, सम ऑफ द वर्जन, सम ऑफ यू कैन से द मेथड्स, जिसके जरिए जो कंटेंट राइटर है वो वेबसाइट के ऊपर, ऑनलाइन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वेब पेजेस के ऊपर, यानी डिजिटली अपनी जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स होते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं, उसको मीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये पांच कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक्स है जिसको हमने पढ़ा। अब इससे रिलेटेड यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कम अप विद दैट, और एक बंदा सवाल करे तो ऑब्वियसली वन आफ्टर द अदर फिर आप कर सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें हम फर्दर रेलिवेंट डिस्कशन कर सकते हैं। वी हैव 15 to 20 minutes टू बी एग्जैक्ट। सर पहले तो बहुत ही जबरदस्त किया गया जो भी आपने लिखा, ये काफी इंफॉर्मेटिव था हमारे लिए, और नई सुबह काफी अच्छे कोर्सेज जो है कंडक्ट करवाती है, वर्कशॉप्स भी, और आपका कोर्स भी लिया था वो भी काफी अच्छी जर्नी गुजरी। दूसरा ये टर्मिनोलॉजी क्या मतलब, बाकी सारी तो समझ आ गई कि किस तरह से हम कॉन्टेंट राइटिंग करते हैं, वो सारा तो मेरे माइंड में बैठ के ये
टर्मिनोलॉजी मसलन क्या इसका क्या सीन है, क्या मकसद? टर्मिनोलॉजी का जो मैंने बताया था वेब पेज के ऊपर, देखो जब हम कोई भी कंटेंट करते हैं कीवर्ड्स वगैरह, ये टर्मिनोलॉजी से मुराद वो इस्तलाहात जो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, ठीक है। आप एक आर्टिकल लिखती हो प्रॉब्लम्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल, राइट, तो आप उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स यूज करोगे जो एक्सपेक्टेडली और फ्रीक्वेंटली सर्च कीवर्ड्स होती हैं, फ्रीक्वेंटली सर्च टर्मिनोलॉजीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल विमेन विद ब्लाइंडनेस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिमिटेशन, साइट लॉस, ठीक है, हैंडीकैप, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स, यानी अपने उस डोमेन के अंदर अंदर जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड वोकैबुलरी होती है पर्टिकुलर, उसको हम टर्मिनोलॉजी या उनको हम फ्रीक्वेंटली यूज्ड कीवर्ड्स कहते हैं, और उनका आप इस्तेमाल करोगे तो उसी से मुतल्लिक कोई सर्च करेगा तो आपका लिखा हुआ कंटेंट देयर आर चांसेस के वो टॉप पे आएगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा मिस अनम, उस एंगल से बात करते हैं। अनम आप हैं? सर मिस अनम है यहाँ पे? जी मिस अनम मेरी बात सुने। दरअसल मैंने ये पूछना था, मेरा ना लास्ट टाइम भी फॉर्म में मसला आया था, इसको कोई फाइल से करना है या कुछ करना, क्योंकि मेरा सारा लिखा हुआ वो सेम। आपको अलग से मैसेज करती हूँ, ठीक है? चलें ठीक है। और दूसरा ये कि हम प्रैक्टिस कोर्स में दोबारा आपका ये लर्निंग का तरीका कैसे है? मतलब इधर मैंने जो पहले कोर्स किया था उसमें तो हमें क्लासेस मिल रही थी, क्लासरूम पे कुछ लेक्चर्स मिलते थे, फिर हमने उसका वीक एंड पे टेस्ट देना होता था, इस तरह की कुछ असाइनमेंट्स मिलती थी, तो इस तरह था। कौन सा मेरा लर्निंग का तरीका ये पूछना है, क्या करवाएंगे इसका पूछ रहा हूं। जी जी, क्रिएटिव राइटिंग में यही होगा बेसिकली। तो अभी हम इस वर्कशॉप से रिलेटेड बात कर रहे हैं, आप मेरे से वैसे बाद में भी पूछ सकते हैं, लेकिन मेथड और उसमें वीकली क्वेश्चन मेरी तरफ से होते हैं जिसको आपने वीकेंड तक आंसर करना होता है, और उसके अलावा एक वेबिनार होता है, लाइव क्लास जो होती है, तो 6 वीक्स तक उसी पैटर्न पे चलते हैं ये 6 हफ्ता जो पूरा कोर्स है, और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड किया जाता है, और जो भी अनाउंसमेंट करनी है वो उसमें भी होती है और गूगल क्लास में भी होती है। लेकिन सर हमें अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं किया गया, मैं ये चाह रहा था कि ये जो अभी स्टार्ट हुआ है हमारा इधर वेबिनार हो रहा है, इसकी मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाती तो अच्छा होता, क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। आप मुझे अपना नाम बताइएगा जी, मुझे अपना नाम नजफ नजफ नजफ। अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज नहीं हुई, जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आपको ग्रुप में ऐड करेंगे 16 के बाद, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 21st के बाद, ठीक है। और ये वेबिनार नहीं है, ये एक वर्कशॉप है, ये कंटेंट राइटिंग है, और कोर्स जो है वो आर्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग है। ठीक है। अच्छा किसी का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन की क्लास नहीं है, ये जनरल एक वर्कशॉप थी कंटेंट राइटिंग के ऊपर, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। जी कोई और क्वेश्चन कंटेंट राइटिंग से मुतालिक हो किसी का? अस्सलाम वालेकुम, मेरी जी नजफ। सर मैं ना ये कहना चाहूंगा आप प्लीज माइंड ना कीजिएगा सर, थोड़ी ना इंग्लिश के लफ्ज थोड़े कम बोला करें सर। जी जी जो समझ नहीं है आप कभी पूछ ले, वो उर्दू में बता देंगे आपको। आई विल ट्राई, लेकिन मैं साथ साथ ट्रांसलेट भी कर रहा होता हूँ, मतलब एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। आई ट्राई नॉट टू, मतलब आई ट्राई टू स्टे बाइलिंगुअल, लेकिन फिर भी अगर ओके आई विल कीप दैट इन माइंड। वैसे आई ट्राई टू स्टे बाइलिंगुअल के मैं दोनों जुबानों को साथ साथ लेके चलूं, लेकिन आई विल ट्राई के मैं ज्यादा उर्दू में एक्सप्लेन करूं। ओके अगर क्वेश्चंस नहीं है तो हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं, तो सब लोग तैयार हैं? अभी कोई और भी कुछ क्वेश्चन पूछने लगा था कोई और भी? एक मिनट जी, मेरी आवाज आ रही है? जी मिस, मैं भी रेडी हूं एक्टिविटी के लिए। ओके सो जी
अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई और तमाम लोगों को, वकास रमजान अर्ज करूँ। तो आपका मैंने जितना सेशन कुछ मेरे से मिस हो गया वो तो फैर गया, लेकिन ये है कि जितना मैंने अटेंड किया काफ़ी ज़बरदस्त है, उसके अंदर डिटेल में आप लोगों ने बात की। एक चीज़ है, मैं ये चाहूँगा कि क्योंकि अपकमिंग आप लोगों का कोर्स भी है तो जो भी है, लेकिन इसके अंदर जो है ना कॉन्टेंट राइटिंग में बहुत सारे मसाइल होते हैं एथिकल से रिलेटेड, यानी कि जैसे आपने कहा कि वो कैची हेडलाइंस और वो सारा कुछ वो क्या कहते हैं क्लिक बेट टाइप। अब जो क्लिक बेट का मसला ये होता है कि जो चीज है ही नहीं उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही वो उसके अंदर लिख दिया। इस तरह आपने कहा था कि प्रोडक्ट में अगर आपकी क्वालिटी मौजूद भी नहीं है तब भी आप उसको लिख दें, तो इसमें आप जरूर मेंशन किया करें कि चीजें एथिकल बाउंड्रीज। नहीं, ऑब्वियसली मैंने आई नेवर सेड कि जो चीज नहीं भी होती वो लिख दें। इनफैक्ट जो ऊपर फॉर अ गुड ये आई टोल्ड दिस थिंग दैट आर टेकिंग प्लेस। अभी जब इनिशियली मैंने शुरू वाला जो मेरा सेकंड टॉपिक था यू नो रोल ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गुड क्रिएटिव कंटेंट राइटर, तो उसकी अच्छी जॉब में ये था कि ही हैज टू प्रेजेंट द फैक्ट्स बेस्ड, यानी उसको फैक्चुअल होना है और एक्यूरेट होना है, क्योंकि जब आप ट्रस्ट लूज करते हैं तो दोबारा फिर आपके कॉन्टेंट को कोई नहीं क्लिक करेगा, आपके चैनल पे कोई नहीं आएगा, आपके पेज पे कोई नहीं आएगा, तो एथिकली भी और प्रोफेशनली भी वो आप अपने आप को खराब करें। सो उसको मैंने एग्जांपल को इसलिए कोट किया था कि वो फॉर अ टाइम भी तो एक व्यू ले लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर बंदा बाद में उनको यू नो अगर पता हो कि ये वही चैनल वही बंदा है तो बाद में फिर उसको वो नहीं मिलता। तो आपको मार्केट में फ्रीक्वेंटली बेसिस पे एग्जिस्ट करना होता है, ना कि एक लाइक या एक व्यू लेने के लिए। योर पॉइंट इज क्वाइट वैलिड है, इसमें एथिकली चीजों का भी बीइंग ए प्रोफेशनल कंटेंट राइटर बहुत जरूरी है ख्याल रखना। और एक और चीज़ आपने बताई थी कि ऑडियंस को जाना आपने मद्देनजर रखा, अक्सर राइटर वो एसईओ और उसके चक्करों में इतना वो इंडल्ज हो जाते हैं कि उन सारी टेक्निक्स को फॉलो कर लेते हैं, तो उनका सारा कंटेंट जो होता है वो सर्च इंजन के लिए बन जाता है, लोगों के लिए बनता ही नहीं है। तो उसमें एक एग्जांपल रिसेंटली मैंने एक ओवरफ्लो हो जाता है कीवर्ड्स भी बैलेंस, रिसेंटली मैंने उसको पढ़ा था, एक एग्जाम्पल थी उसमें एक एडवर्टाइजमेंट कोई बनी थी, उन लोगों ने ऐड बनाया था और वो ऐड कोई काफी मतलब लाखों डॉलर का वो ऐड था और वो उस ऐड को अवार्ड भी मिले थे काफी सारे कि मोस्ट क्रिएटिव ऐड और फला फला, लेकिन उस ऐड के वर्स्ट रिजल्ट आए थे एज इंपैक्ट के, जो मतलब जो उन्होंने प्रोडक्ट सेल करना था वो सेल ही नहीं हुआ था। तो इस क्योंकि वो सारी जो है ना वो एक अच्छी एंटरटेनिंग ऐड थी, लेकिन वो चीज उन्होंने वो मेंशन ही नहीं की थी कि चीज खरीद नहीं किया इसमें से। अच्छा 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 अच्छा, तो ये भी होता बस है। ऐसे ही ना, ये ऐसे ही ना हम टीवी पे भी देखते हैं तो सम टाइम एड्स बड़े अपीलिंग होते हैं, प्रोडक्ट चाहे वो चलती हो या ना चलती हो। और अस्सलाम वालेकुम सर, ये मैं भी कहना चाहूंगी कि मिस अनम और आप जो है मतलब कि इतने जबरदस्त कोर्सेज होते हैं कि कभी कभार तो मुझे भी यकीन नहीं आता कि घर बैठे इतने इंफॉर्मेटिव कोर्सेज मिल गए, क्योंकि अभी जो है 3 कोर्सेज में मैं कोविड 11 से कोविड 13 तक आई हूँ, तो अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं पर्सनली कराची विजिट करूँ। अच्छा, कोविड 19 में ना बस चली जाइएगा। नहीं सही है, बहुत जबरदस्त। और आपकी बिल्कुल बुकिश उर्दू भी जो होती है ना, बुकिश उर्दू होती है जो मेरे टेक्स्ट बुक में पढ़ी हुई है, मुश्किल लगती है लेकिन आसान हो जाती है। एक चीज स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कहना चाहूंगी जो सजेशन है कि जो चीज मसल के नहीं आती या समझ नहीं आती तो मतलब कि वो पूछ लें, लेकिन ये ना कहे कि इसको ना करें, क्योंकि आप सीखेंगे तो आएगी ना, मतलब कि इंग्लिश नहीं आएगी कहीं पे हम जाके, ये तो नहीं ना कह सकते जहाँ पे मोस्टली जो है इंग्लिश है या उर्दू है, जब तक सीखेंगे नहीं तो अपने आप को मनवाएंगे कैसे। तो ये चीज है कि सीखनी चाहिए, मतलब कि मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए जो आपका टीचर आपको करवा रहा है, ये नहीं कि मतलब इसको चेंज करें बल्कि उसको सीखें जो मुश्किल लग रहा है। मेरा मतलब वो नहीं था कहने का इंग्लिश के लिए, मेरा मकसद ये था कि समटाइम सर इंग्लिश के वर्ड कुछ ऐसे बोल जाते हैं जो समझ में नहीं आते, फिर बाद में वो 10 मिनट लग जाते हैं। आप पूछ सकते हैं ना, जिस तरह ये तकदीस पूछ लेती हैं टाइम्स। वैसे भी देखें आप जब स्पीकिंग इंग्लिश स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग, इस तरह के कोई भी इंग्लिश बेस्ड आप वर्कशॉप या कोर्स में आते हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपका थोड़ा सा प्रायर बेसिक नॉलेज होगा, कुछ थोड़ा बहुत होगा।
तो क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई इंग्लिश रिलेटेड एक्टिविटी हो तो हम उसको प्योरली ही उर्दू में करें, ठीक है। तो बड़ा इंशाल्लाह ताला ड्यूरिंग लेक्चर्स आई विल कीप दैट इन माय माइंड कि मैं उसको बायलिंगुअल बना के चलो। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? इरम है यहाँ पे, फातिमा है, खुदा है, काशिफ है, रिदा, सदाकत है, पता नहीं, सारा, आयशा है, जीरक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो? मिस अनम, यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड? आपको एक्टिविटी कह रही थी, अदरवाइज इसको देख लें। क्वेश्चन भी है और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड फिर एक्टिविटी, कि जब भी हम कुछ भी लिखते हैं, कोई भी कंटेंट लिखते हैं, कोई एसे या कोई भी पैराग्राफ, वो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम किस लाइन से स्टार्ट करते हैं? वो ऐसी लाइन होनी चाहिए जो कि कैप्टिवेटिंग होनी चाहिए। तो इसका आंसर करेंगे सलमान, और उसके आंसर को सुनते हुए मैं आप लोगों को एक टॉपिक दूंगी, आपने उस आंसर को अपने माइंड में रखते हुए एक एक लाइन उस टॉपिक में स्टार्ट में क्या लाइन हो सकती है, क्या कैप्टिवेटिंग लाइन हो सकती है, वो आप लोगों ने बतानी है। तो सलमान आप इसको बताइएगा कि हम वो किस तरह की लाइन हो जो स्टार्ट हो, फिर वो जब हम पहली लाइन पढ़ें तो हम पूरा कंटेंट पढ़ के ही उठें। इसमें जिस तरह मैंने बताया कि कंटेंट राइटर की ये स्मार्टनेस होती है कि वो कोई भी, अब डिपेंड करता है किस चीज से रिलेटेड कंटेंट है, ठीक है, कोई भी प्रमोशनल एड है या कोई जनरल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी आप देने जा रहे हैं तो उसकी ओपनिंग जो है वो डेफिनेटली स्ट्राइकिंग होनी चाहिए। तो उसमें जितनी ज्यादा वो अट्रैक्टिव होगी शुरू वाली जो वन लाइनर है उसका, तो उससे फिर ये होता है कि चाहे वो जितना भी आगे फर्दर कंटेंट है 90% ऑफ द रीडर्स विल गो थ्रू द होल जो भी पैराग्राफ है या पैसेज है या आर्टिकल है उसको। Okay, मेरे माइंड में दो टॉपिक्स हैं, हेल्थ एंड मनी। अगर हेल्थ के बारे में हम कोई पैराग्राफ, मनी, यस, ओके, अगर हम मनी या हेल्थ के बारे में कुछ एक ऐसे या कोई पैसेज लिखने वाले हैं तो कौन सी ऐसी कैप्टिवेटिंग लाइंस होंगी जो कि हम उससे स्टार्ट ले सकें? ओके, अब 100 तरह के माइंड्स हैं, 100 तरह की हर बंदे की लाइन होगी, इसमें कोई फिक्स तो होगी नहीं। यू विल थिंक योर ऑन एंड आई विल कम अप विद व्हाट आई थिंक कि मैं उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊं। फॉर एग्जांपल आप मनी पे अगर बात करें तो वी कैन से मनी वाटर इन द पाम, ठीक है, इस तरह करके, यानी कि ऐसी चीज है जो हाथ में तो होती है पर हाथ में रुकती नहीं है, जिस तरह हथेली से पानी स्लिप होता है, मनी वाटर इन अ पाम, ठीक है, इस तरह करके आप स्टार्ट ले सकते हैं। आगे फिर जाहिर है आप कुछ भी उसको रेलिवेंट कनेक्ट कर सकते हैं। तो बट अगेन एज आई सेड कि हर बंदा अकॉर्डिंग टू देयर ऑन क्रिएटिविटी उसको स्टार्ट कर सकता है। सही, मैं चाहूंगी अगर इंग्लिश में सेंटेंस ना क्रिएट हो तो बेशक आप वो लाइन उर्दू में बता सकते हैं, अगर किसी के माइंड में मनी से रिलेटेड कुछ उर्दू में आपके कंटेंट। हाँ, क्योंकि बहुत से कंटेंट ऐसे होते हैं जो आजकल रोमन में लिखने के लिए भी लोग हायर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप, क्योंकि हम अभी इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग की नहीं बात कर रहे, हम कंटेंट राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो कंटेंट राइटिंग के स्टार्ट को आप किस तरह इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कोई एक जुमला, कोई एक लाइन, कोई 3-4 वर्ड्स अगर कोई बोलना चाहे तो। पैसों से पैसे बनाएं, इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो टॉप ट्रेंडिंग होते हैं अक्सर ही, और इस पे जो सीपीसी है वो भी हाई रहती है अगर हम इसको देखें थोड़ा डीपली तो। फर्स्ट लाइन बताएं जो कैप्टिवेटिंग हो बहुत। कोई लाइन, कोई जुमला, कोई वर्ड्स, कोई सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। मिस मैं बता दूं? जी बताएं। जी, हेल्थ पे जो है वो है तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, ठीक है, और मनी पे जरूरत से ज्यादा पैसा भी इंसान की जिंदगी खा जाता है। अच्छा, आपका दूसरा वाला समवर्ड बेटर है क्योंकि पहली आपकी जो है ना वो एक जनरल फैक्ट है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, दूसरा जो है वो आपने आमतौर पे तो ये होता है ना कि इंसान पैसा खाता है, ठीक है, we eat the money, we consume the money, लेकिन आपने कहा the money eats the people, eats up the people, तो वो ठीक है, एक अच्छा यूनिक एक्सप्रेशन है। सर एक वो भी है ना, क्या नाम लेते हैं, passive use of money,
कुछ लोग मतलब क्योंकि ज्यादा पैसा भी हो तो उससे भी तो खानदान लड़ना शुरू हो जाता है ना, इसके पास ज्यादा इसके पास जी जी वो आपने उस वो आपका वो इनोवेटिव है पॉइंट। हाँ जी उस हवाले से मैंने बताया। एक इंग्लिश ड्रामा भी है मनी हाइस्ट। ओके सो एक्सेसिव यूज ऑफ वेल्थ स्पॉइल्स द हेल्थ। यस बस और कोई मनी या हेल्थ पे मनी इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ लिविंग लाइफ मतलब इस तरह करके के आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। आउट बोलें आपकी आवाज थोड़ी कट रही है सर। जैसे ये हो सकता है मनी इज द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ द लिविंग लाइफ मतलब जिंदगी जीने के लिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंट टूल मतलब एक इम्पोर्टेंट वो है। इसको सर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया क्या कहेंगे। मनी इज द मोस्ट पावरफुल टूल द लिविंग लाइफ उर्दू में बता दे मिस। मिस एक ये भी तो हो सकता है ना now our life is going through very fast and furious so we can't think how much money is important we have in our life to to purchase. Okay good try। ये एक्टिविटी का कराने का यही मकसद था कि हम किसी टॉपिक को अगर लिखना चाहते हैं हमें टॉपिक्स मिलते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए तो हम उसको स्टार्ट कैसे करें। और भी है मेरे पास टॉपिक्स जो हम और भी एक्टिविटीज करवाएंगे नेक्स्ट वर्कशॉप में। तो अगर किसी का कोई इस वर्कशॉप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट वर्कशॉप में भी जरूर आइएगा। जैसे कि सलमान खालिद ने बताया कि नेक्स्ट वर्कशॉप में हम बात कर रहे होंगे कि विजुअली इम्पेयर्ड किस तरीके से और किन किन एरियाज में कंटेंट राइटिंग कर सकता है और अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता है। ऐसा ही है ना सर। मैं फीडबैक देना चाहूंगी जी वर्कशॉप के बाद जी जी आप सर ठीक है वॉइस मैसेज ओके जी जी ठीक हो गया। थैंक यू एवरीवन। इंशाल्लाह एज ही सेड कि नेक्स्ट सैटरडे को हम इसी की कंटिन्यूएशन में कुछ और टॉपिक्स कर रहे होंगे एंड मेन फोकस विल बी द कंटेंट राइटिंग कीपिंग इन माइंड विजुअली इम्पेयर्ड किन किन एरियाज में वो कर सकते हैं एंड हाउ क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग कैन प्ले अ वाइटल रोल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। ओके सो एवरीवन थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग और आपको हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग नेक्स्ट सेशन में जो कि 19th of November 2022 को है और 3 PM पे ही है नेक्स्ट सैटरडे। तो होप यू जी 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 बिल्कुल वाइट करेंगे।